देखिए, मैं कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुमने इस्लाम छोड़ा, मैं कहता हूं मैंने इस्लाम को मानना छोड़ा, लेकिन मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैं उस अरबी कल को भला कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बीवी बच्चे सब लुप्त, सब कुछ छीन लिया। तो मैं इस कल को, इस अरबी कल को नहीं छोड़ सकता, मैं इसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, ये मैंने ठान ली है। इसी मकसद से मैंने अरबी एक एक यूट्यूब चैनल खोला है। अब देखिए, कुरान ये कह रहा है, अब एक शख्स ने इस्लाम छोड़ा और इस्लाम की रियलिटी वो लोगों को बता रहा है, इस्लाम का असली चेहरा वो लोगों को बता रहा है, तो ऐसी सूरत में उलमा कहते हैं कि ये शख्स जमीन पर फसाद फैला रहा है, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है। ऐसे ऐसे मौके पर उलमा जो है कुरान की ये आयत कोट करते हैं, انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف। इसका मतलब है कि जो लोग इस्लाम की रियलिटी लोगों को बताएंगे वो गोया अल्लाह उसके रसूल से जो है जंग कर रहे हैं, वो गोया जमीन पर फसाद फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सजा ये है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, उनके एक साइड से उनका हाथ काटा जाए, दूसरे साइड से उनका पैर काटा जाए। यह है कुरान, यह है अमन और शांति का दम भरने वाली किताब कुरान। अज़हरी साहब, आप कुछ कहेंगे? कुरान के मुस्तकात को 170 बार दोहराया गया है, इसी वजह से, इसी वजह से। आपके माध्यम से आखिरी बात ये कहूंगा आपसे कि मैं सचिवाला साहब से एक गुजारिश करता हूँ। हेलो जी, यानी कि आप चाहते हैं कि वो आए कि देवबंद जाएं या बरेली जाएं, कहीं जाएं और वहां पर जाके आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाइए। अरे वो देखिए जरूरी नहीं है कोई कहीं जाए, अगर आप चाहते, पूरा आपको मौका दिया, मैंने प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पर आप उनकी बातों को काउंटर कर सकते थे।